मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की प्राइस शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 100 ओके 100 ओपन कर लेंगे। चैप्टर 13 है, उसका नाम है आवर हेल्पर्स, ये ओपन कर लेंगे। लेकिन इससे पहले पेज नंबर आप 99 ही ओपन कीजिए ओके। हम प्रीवियस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है जो समझा देते हैं, जो कि आपको खुद ही बनाना है, खुद ही करना है, तो वो क्वेश्चन मैं समझा दूंगी, इसीलिए पेज नंबर 99 ओपन कीजिए। और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूँ फिर से, जो रोज़ मैं रिपीट करती हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें, खरीदवा लें, क्योंकि किताबें रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो मेरी बातों को भी सुनेंगे, समझेंगे, और किताबें पे भी देखेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा, फिर रीड करने को मिलेगा, तो वो चैप्टर रीड करेंगे। लेकिन जिनके पास किताबें नहीं हैं, ना ही वो ये सारा क्रिएटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स बना ही नहीं पाएंगे, और ना ही चैप्टर को पढ़ पाएंगे, जाहिर है आपकी लर्निंग बेकार जाएगी, क्योंकि आप सीख रहे हैं, क्लास में उपस्थित हैं, क्लास की बातों को तो सुनेंगे, टीचर की बातों को, लेकिन जब वो चीज़ बनाने को पढ़ने को मिलेगा तो नहीं कर पाइएगा ना, फिर समय बर्बाद होगा। इसलिए किताबें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बातों पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट रहा कीजिए हमेशा, जो नहीं रहते उनको बुला कीजिए, और जिनके पास किताबें नहीं है वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें ओके। तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। पेज नंबर 99 में है लाइफ स्किल्स, है ना, हमने हॉर्स क्वेश्चन बना लिया था, कंप्लीट हो गया था। अब हमारा है लाइफ स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स में है प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में दो क्वेश्चन है, वो क्या है, क्रिएटिव स्किल्स में तीन क्वेश्चन है एक्चुअली, प्रोजेक्ट है, उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसके बाद रिटेन ईमेल है। तो प्रोजेक्ट आप देख लीजिए वो क्या है, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस बाई अ पोस्ट कार्ड एंड लेटर एंड राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड। आप पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट कार्ड खरीदिए और उस पर अपने दोस्त के लिए, दोस्त को एक पत्र लिखिए ओके। पोस्ट द लेटर इन अ नेबर नियर बाई लेटर बॉक्स, और उस लेटर को पोस्ट कीजिए आपके नज़दीक, आपके घर के आसपास जो लेटर बॉक्स है उसमें उस लेटर को ड्रॉप कर दीजिए, ताकि वो लेटर आपके दोस्त तक पहुंच जाए। फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड, फिर पता लगाइए, है ना, फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड व्हेन ही रिसीव द लेटर्स, फिर पता लगाइए अपने दोस्त से कि आपके दोस्त को, आपने जिसको लेटर भेजा उस दोस्त को लेटर मिला या नहीं मिला, उसने लेटर प्राप्त किया या नहीं किया। मार्क द डेट्स वेन यू पोस्ट द लेटर एंड वेन योर फ्रेंड रिसीव द लेटर्स, और आपको क्या करना है, कैलेंडर पे मार्क करना है जब आपने लेटर को पोस्ट किया, दैट मीन्स कि आपने लेटर बॉक्स में ड्रॉप किया लेटर को, उस दिन का डेट मार्क कर दीजिए, टिक कर दीजिए ओके, कि आपने इस डेट को लेटर पोस्ट किया, और जब आपके दोस्त को वो लेटर मिल जाए और आप उससे पूछिए कि तुमको कौन से डेट में लेटर मिला है, फिर उस डेट को कैलेंडर पर टिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि एक लेटर, है ना, मतलब लेटर आपके दोस्त से, यानी कि आप जिसको भेजना चाहते हैं उस तक कितने दिनों में वो लेटर पहुंचता है, मिलता है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कम्युनिकेशन का जो मीन्स है फास्टर है या स्लो है ओके, या थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इससे ये जानकारी हो जाएगी ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पेस्ट है स्टैम्प्ड इन वेलप एंड इन एंड एंड इन एंड लेटर इन योर एक्टिविटी फाइल, फिर आपके पास जो एक्टिविटी फाइल है, दैट मीन्स कि आपका जिसमें सारा चीज़ रखा जाता है वो एक्टिविटी फाइल में, आप पिक्चर को किसको पेस्ट करना है, क्या स्टैम्प्स इन वेलप को पेस्ट करना है, आप लिफाफा ले लीजिए, मोहर खरीद लीजिए पोस्ट ऑफिस से, उसको, है ना, पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए फाइल में, एंड इन लाइन लेटर को, और इन लाइन लेटर मतलब होता है देश के अंदर का, है ना, उस जगह के अंदर का, उस राष्ट्र के अंदर का जो भी लेटर है उसको फाइल में पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, ये एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है वो देख लेते हैं। प्रिपेयर 5 slides इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको, है ना, क्या करना है, प्रिपेयर 5 slides। 5 slide मीन्स होता है कांच पट्टी का, कांच पट्टी का, 5 कांच पट्टी का आपको तैयार करनी है पावर पॉइंट में। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साधन का 5, है ना, स्लाइड बनाइए। उसके बाद ईच स्लाइड शेल हैव द पिक्चर ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ फ्यू लाइंस डिस्क्राइबिंग इट्स यूज, है ना। अब आपको क्या करना है, उस स्लाइड में आपको, है ना,
कम्युनिकेशन का क्या है, पिक्चर मतलब कम्युनिकेशन के साधन का, संचार के साधन का पिक्चर पांचों स्लाइड में चिपकाना है, पेस्ट करना है, लगाना है, एंड फ्यू लाइंस डिस्क्राइबिंग इट्स यूज, और उसके बारे में 5 लाइन आपको बतानी है, डिस्क्राइब करनी है, बतानी है कि इसका क्या इस्तेमाल है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार से उसके बारे में 5 लाइन आपको बता देना है। तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा तीसरा है राइटिंग ईमेल, ईमेल आपको लिखना है, क्या करना है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड अबाउट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने दोस्त को ईमेल लिखिए, पहला में था क्या लिखना था, लेटर लिखना था, अपने दोस्त को लेटर लिखिए और लेटर को पोस्ट कीजिए, पोस्ट करने का डेट और अपने दोस्त को रिसीव करने का डेट कैलेंडर में मार्क कर दीजिए, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा लेटर आपने किस डेट को पोस्ट किया और किस देश को उसको मिला, तो उसमें कितना दिन लग गया, क्या क्या प्रोसेस हो गए, वो दिन आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना, ईमेल लिखना अपने फ्रेंड को, है ना, क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार साधन के बारे में आपको अपने दोस्त को ईमेल लिखना है, दैट मीन्स कि एक लेटर लिखना है, मतलब कंप्यूटर पे लैपटॉप पे, है ना, आप लिखकर उसको सेंड कीजिए। तो जाहिर है अगर हम कंप्यूटर पे लैपटॉप पे लिखकर अपने दोस्त को लेटर सेंड करेंगे तो जल्द ही पहुंचेगा, यहाँ हम टाइप किए, क्लिक किए सेंडिंग वाले, है ना, आइकन पे, और जैसे सेंडिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे बस हमारे फ्रेंड को वहाँ मिल जाएगा, ये फौरन से मिल जाएगा, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। लेकिन हम जब लेटर को भेजते हैं तो वो भेजने में समय लग जाता है। ओके, ये हो गया। अब है लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स क्या है वो देखिए, हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ऑब्जर्व एंड राइट अ पैराग्राफ, बोला हाउ एनिमल, है ना, एनिमल कैसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते विथ ईच अदर से, एनिमल है ना कैसे करते हैं दूसरे जानवरों से या दूसरे लोगों से बात किससे करते हैं, तो उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है एंड राइट अ पैराग्राफ, और उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं लिखा देती हूँ, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, बुक वाले बच्चे भी, नोटबुक वाले बच्चे भी, है ना, क्या ओपन कर लेंगे, नोटबुक ओपन कर लेंगे, ओके, और उसे मैं लिखा देती हूँ। तो ऐसे कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लिखाएंगे, आज हम कुछ चैप्टर पढ़ लेते हैं, ओके, वो ज़्यादा सही रहता है, हम फिल इन द वर्ड मीनिंग से पहले हम लिखा देंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया। तो ये क्वेश्चन है ऑब्जर्व करना, हालांकि आप कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने की, ये क्वेश्चन, हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, एनिमल्स जानवर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ये आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है, मतलब आप खुद ही अनुभव कीजिए, इसके बारे में पता लगाइए एंड राइट अ पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ लिख दीजिए। अब आप लोग को क्या है, पेज नंबर 100 यानी कि नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, ये क्या है, ये है आवर हेल्पर्स, हमारा जो चैप्टर है 13 वो क्या है, आवर हेल्पर्स, हेल्पर्स मीन्स हमारे मददगार। तो पॉइंट्स टू लर्न यानी कि जो पॉइंट्स, जो बातें आपको सीखनी है वो कौन सा है, हु आर हेल्पर्स, हेल्पर्स यानी कि मददगार क्या होते हैं, कौन होते हैं, एंड सेकंड पॉइंट है डिफरेंट पीपुल परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, अलग अलग लोग अलग अलग कार्य को करते हैं, है ना, कार्य परफॉर्म करते हैं यानी कि कार्य करते हैं वो, तो वही हेल्पर ना कहलाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पर होते क्या है वो हम जानेंगे, हु आर हेल्पर्स, पीपल हु हेल्प अस आर कॉल्ड आवर हेल्पर्स, जो लोग हमारी मदद करते हैं वो मददगार कहलाते हैं, हमारे मददगार कहलाते हैं, ओके, ये है। और इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं, सभी बच्चे ध्यान से बुक पे उंगली रखेंगे और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, जिनके पास किताबें नहीं हैं वो मेरी तरफ देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। क्या है, आदित्य और प्रकृति, है ना, ये लड़का और लड़की है, चैप्टर को शुरू करने से पहले हर चैप्टर में ये आता है, आदित्य वाज गोइंग टू द मार्केट टू बाई अ बॉक्स ऑफ पेंसिल व्हेन प्रकृति आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ पेन फॉर हर, आदित्य मार्केट गया और वहाँ मार्केट से जाकर उसने एक बॉक्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल का एक बॉक्स खरीद के लाया, व्हेन प्रकृति आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ पेन फॉर हर, जब प्रकृति ने उससे कहा था कि उसके लिए पेन लेते आना, प्रकृति को पेन चाहिए था लेकिन आदित्य मार्केट गया तो क्या ले आया, पेंसिल का बॉक्स ले आया। आदित्य डिड नॉट वॉन्ट टू डू हर वर्क एज शी हैड रिफ्यूज टू शेयर चॉकलेट विथ हिम द प्रीवियस डे, आदित्य प्रकृति का काम नहीं करना चाहता था उसी तरह से जिस तरह से प्रकृति ने उसके साथ चॉकलेट शेयर करने से मना कर दिया था, मतलब प्रकृति पहले दिन प्रीवियस डे यानी कि कल वाले दिन या उससे पहले कभी प्रकृति चॉकलेट खा रही थी तो आदित्य ने शायद उसे मांगा होगा तो उसने नहीं शेयर किया, उसको नहीं दिया और खुद खा ली, इसलिए आदित्य उसका काम नहीं करना चाहता था। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शेयरिंग करना चाहिए, एक तो हम अगर खुद नहीं दे रहे हैं लेकिन सामने वाला अगर मांग रहा है तो हमें उसे वो चीज़ दे देना चाहिए। बट ही केप्ट क्वाइट, है ना, लेकिन वो शांत रहा
though he did not want to aditi about the pain for prakriti wo na chahte hue bhi aditi ne kya kiya prakriti ke liye pain kharid ke la diya wo nahi chahta tha wo shant raha uske kehne pe lekin wo na chahte hue bhi aditi ne prakriti ke liye pain kharid ke la diya when aditi come back he handed over the pain to prakriti jab aditi wapas aaya to prakriti ko wo pain de diya jo pain wo kharid ke prakriti ke liye laya tha थैंक यू ब्रदर यू आर अ हेल्पफुल बॉय प्रकृति सेड टू आदित्य आदित्य से प्रकृति ने कहा कि थैंक यू ब्रदर धन्यवाद भाई तुम बहुत है ना यू आर अ हेल्पफुल बॉय तुम मददगार लड़के हो तुम मदद करने वाले लड़के हो बच्चे हो दिस मेड आदित्य वेरी हैप्पी और ये बात सुन के आदित्य को बहुत खुशी महसूस हुई जाहिर है जब आप किसी का कोई काम करते हैं और वो बदले में आपको थैंक यू कहता है आपकी प्रशंसा करता है आपका अच्छा आपकी बातें आपके बारे में अच्छा बातें बोलता है तो आपको खुशी महसूस होती है ना तो आदित्य भी बहुत खुश हो गया ही डिसाइडेड दैट ही वुड हेल्प एवरी वन इन लाइफ तो उसने उसी वक्त निश्चित किया निश्चय किया कि वो हमेशा ज़िंदगी में सबकी मदद करेगा जाहिर है जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और आप मदद करके देखिए आपको बहुत खुशी मिलेगी और उस और खुशी ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब आप किसी की मदद करते हैं और वो बदले में आपका शुक्रगुजार होता है आपको धन्यवाद कहता है आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है तो और खुशी होती है मिलती है ना खुशी तो वो आदित्य बहुत खुश हो गया हालांकि आदित्य नहीं चाहता था कि वो प्रकृति के लिए पेन लाए उसकी बात माने उसका काम करे क्योंकि प्रकृति ने उसे चॉकलेट देने से मना किया देख लीजिए प्रकृति ने उसे मना किया चॉकलेट नहीं दिया इनकार कर दिया लेकिन फिर भी आदित्य ने उसका मदद किया तो वो अच्छा लड़का था ना जाहिर है वो अच्छा इंसान था इसलिए चुप रहते हुए बहन से लड़ाई नहीं किया चुप रहा और उसका काम कर दिया हालांकि वो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसका काम कर दिया तो जाहिर है वो अच्छा था तो वो बहुत खुश हो गया जब प्रकृति ने उसका तारीफ़ किया उसका शुक्रगुजार हुआ धन्यवाद कहा अभिनंदन किया और वो डिसाइड कर लिया तय कर लिया कि वो ज़िंदगी में जीवन में सभी की मदद करेगा वी मीट मैनी पीपुल इन आवर लाइफ हु हेल्प अस हम लोग दुनिया में लोगों से है ना हम लोग अपने लाइफ में बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं जो क्या है हेल्प अस है मतलब जो हमारी मदद करते हैं या हमारे काम आते हैं किसी ना किसी तरह से एज वी लीव इन अ सोसाइटी देयर आर मैनी पीपुल हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं एक समाज में रहते हैं और समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे किसी ना किसी अलग अलग तरह से हमारे काम आते हैं हमारी मदद करते हैं ओके हमारी मदद करते हैं ए फार्मर ग्रोस फूड फॉर अस एक किसान फार्मर मीन्स किसान होते हैं वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं ए वेवर्स वेव्स क्लोथ फॉर अस वेवर्स मीन्स होता है बुनकर बुनकर जो होता है हमारे लिए कपड़े बुनता है देखो पहले कपड़े से क्या होता है पहले तो धागा बनाया जाता है अब वो धागा वो जो तार होता है धागा होता है उस धागा को बुनाई की जाती है तो वो कौन बुनता है वेवर्स जिसको बुनकर बोलते हैं वेवर्स बोलते हैं वो बुनकर धागा को बुनता है और धागा को बुनकर एक बड़ा सा सलग सा चीज़ बनाता है दैट मीन्स कि कपड़ा बनाता है और उस कपड़े से अलग अलग तरह के शर्ट पैंट फ्रॉक साड़ी ब्लाउज सूट ये सारी चीज़ बनते हैं ओके ये फॉर अस एंड अ मेसन बिल्ड हाउसेज फॉर अस और ए मेसन मेसन मीन्स राजमिस्त्री राजमिस्त्री क्या करता है हमारे लिए यानी कि हमारे घर बनाता है सम हेल्पर्स प्रोवाइड अस विथ आवर बेसिक नीड्स ये क्या है यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है सम हेल्पर्स प्रोवाइड अस विथ आवर बेसिक नीड्स कुछ हेल्पर ऐसे होते हैं जो हमारे मूलभूत ज़रूरत को पूरा करते हैं जैसे घर बनाना ये हमारा बेसिक चीज़ है फार्मर किसान ये हमारा बेसिक यानी कि हमारा अनाज बेसिक नीड है मूलभूत बुनियादी ज़रूरत है ओके कपड़ा पहनना हमारा बुनियादी ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान ये हमारा तीन हर ह्यूमन बींग्स हर एक इंसान का बेसिक नीड होता है तीन बेसिक नीड होता है कौन फूड क्लोथ्स एंड हाउस भोजन कपड़ा और मकान मतलब हम जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं खाते हैं पीते हैं उसी तरीके से जब हम जीवित रहेंगे तो हमें अपने शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए कपड़ा चाहिए हमको खाना चाहिए शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए तो हमें रहने के लिए क्या चाहिए घर चाहिए मकान चाहिए तो हर एक इंसान का ये बेसिक नीड होता है कौन कौन फूड क्लोथ्स एंड हाउस ये बेसिक नीड है तो कुछ मददगार ऐसे होते हैं जो हमारी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं जैसे मेसन हो गया फार्मर हो गया वेवर्स हो गया द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर अस कारपेंटर क्या करते हैं हमारे लिए फर्नीचर्स बनाते हैं फर्नीचर मतलब लकड़ी का सोफ़ा बेड टेबल है ना अलमीरा ये सारा सामान जो बनता है उसे फर्नीचर कहते हैं ये बनाते हैं है ना फॉर आवर हाउस हमारे घर के लिए है ना और लकड़ी का गेट है ना यानी कि दरवाज़ा खिड़कियाँ ये सब भी बनती हैं द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स एंड द वॉशरमैन
washes and irons our clothes. टेलर क्या करता है? टेलर मीन्स दर्जी. दर्जी का क्या काम है? हमारे कपड़े सिलना. तो दर्जी हमारे लिए हमारे कपड़े सिलता है. एंड वॉशरमैन यानी कि धोबी. धोबी क्या करता है? हमारे कपड़े को धुलता है. धोने के बाद आयरन करता है. किसको? हमारे कपड़े को. द इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स आवर इलेक्ट्रिक गैजेट्स एंड द प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स इन आवर होम्स. इलेक्ट्रीशियन यानी कि बिजली मिस्त्री. उसका क्या काम होता है? रिपेयर्स करना इलेक्ट्रिक गैजेट को. यानी कि इलेक्ट्रिक का, बिजली का, विद्युत का यंत्र या औजार. गैजेट में यंत्र या औजार. जैसे पंखा खराब हो जाता है तो हम इलेक्ट्रीशियन के पास देते हैं. बोर्ड खराब होती है, वायरिंग खराब होता है तो उसको बुलवा के ठीक करते हैं. फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारे इलेक्ट्रिक गैजेट है. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आइटम है. यानी कि बिजली से चलने वाला सामान है. अगर बिजली से चलने वाला सामान खराब हो जाता है हम किसको देते हैं? इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं या उनको देकर ठीक करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं. एंड प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स इन आवर होम्स. और प्लम्बर, प्लम्बर मीन्स नल साज, यानी कि नल मिस्त्री जो है ना, जल मिस्त्री. तो वो क्या करता है? हमारे घर के जो वाटर पाइप्स होते हैं उनको रिपेयर्स करता है, फिट करता है. अगर वो ख़राब हो गए तो मरम्मत किया या नया घर बना तो वो क्या करते हैं? उनको फिट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं. टैंक से, टंकी से पानी का कहाँ कहाँ कनेक्शन जाएगा, चाहे वो बाथरूम हो या टॉयलेट हो या किचन हो या अदर कोई भी जगह, उस कनेक्शन को फिट करते हैं. देखिए नीचे लिखा हुआ है, सम हेल्पर्स मेक आवर लाइफ कम्फर्टेबल. कुछ हेल्पर ऐसे होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं. ये जो हेल्पर हैं ये हमारे बेसिक नीड को पूरा करते हैं. फार्मर हो गए, चाहे वो वेवर्स हो गए या मेसन हो गए, ये हमारे बेसिक नीड पूरा करते हैं. कुछ हेल्पर हमारे लाइफ को कम्फर्टेबल करते हैं. जैसे है ना, कारपेंटर फर्नीचर बना के दिया तो हमारा लाइफ इजी हो गया, कंफर्टेबल, आसान हो गया, है ना. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वॉशरमैन, अगर वॉशरमैन धोबी रहा तो हमें कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी. टेलर रहा तो हमें कपड़े सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो ये हमारे लाइफ को इजी करते हैं, आसान बनाते हैं. ओके, अब ये पेज नंबर 101. द ब्लैक स्मिथ, सॉरी, ए ब्लैक स्मिथ मेक्स आयरन टूल्स वेयर एज अ गोल्ड स्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार. लोहार का क्या काम होता है? आयरन टूल्स बनाना, मतलब लोहे का सामान बनाना, औजार बनाना, वस्तु बनाना लोहे का. जैसे छड़ बनाना, हथौड़ा बनाना, चूड़ा बनाना, चाकू बनाना, कोई भी लोहे का सामान, ये बनाना किसका काम होता है? ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार का काम होता है. उसी तरीके से गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार, है ना, जो सोनार होते हैं यानी कि आभूषणकर्ता होते हैं, यानी कि सोना का जो सामान बनाते हैं, तो उनका काम होता है, सोनार का क्या काम होता है? ऑर्नामेंट्स बनाना. ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, गहना बनाना. किस चीज़ का? गोल्ड या सिल्वर का. यानी कि सोना या चांदी के आभूषण कौन बनाता है? सोनार बनाता है. बनाता भी है, बेचता भी है. द शू मेकर मेक शूज एंड अ बार्बर कट्स आवर हेयर. शू मेकर दैट मीन्स की कॉबलर, है ना, मोची, है ना. शू मेकर क्या करते हैं? हमारे शूज़ को बनाते हैं. शू मेकर शूज बनाता है. कॉबलर शूज़ को सिलता है. यानी कि कॉबलर, जब हमारे जूते चप्पल टूट जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं, कहीं पे से कट जाता है तो उखड़ जाता है सिलाई, तो उसको सिलता है. शू मेकर शूज़ बनाता है. ओके, तो शू मेकर हमारे जूते बनाते हैं. एंड बार्बर हमारे यानी कि नाई, हजाम हमारे बालों को कट करते हैं. ओके, हमारे बालों को छोटा करते हैं, छाटते हैं. देयर आर अदर हेल्पर्स लाइक द मेड, कुक, स्वीपर, गार्डनर, ड्राइवर एंड गार्ड हु हेल्प अस एंड मेक आवर वर्क ईजियर. कुछ ऐसे भी मददगार हैं, मदद करने वाले लोग हैं, जैसे मेड. मेड मीन्स नौकर या नौकरानी. कुक, कुक मीन्स बावर्ची, है ना, खाना बनाने वाला, उसको बोलते हैं कुक. स्वीपर मीन्स झाड़ू लगाने वाला या लगाने वाली. गार्डनर मीन्स माली, है ना, या बागवान, जिसको बोलते हैं. ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स चालक, गाड़ी चलाने वाला. एंड गार्ड, गार्ड मीन्स रक्षक करता, जो हमारे घर की रक्षा करता है गार्ड. ये सारे क्या है? हेल्पर्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं और ये हमारे काम को आसान बनाते हैं. क्योंकि हम एक इंसान ये सारे काम नहीं कर सकते. अपने बागों को देखना, अपने लिए खाना पकाना, झाड़ू देना, घर की साफ सफाई करना, गाड़ी चलाना, एक इंसान के लिए ये सारे काम करना मुश्किल होता है. करते हैं लेकिन सभी के लिए समय निकालना पड़ता है. लेकिन अगर ये सारे घर में आदमी रहे, हेल्पर रहे, तो हमारा काम आसान हो जाता है. तो नीचे यहाँ पे देखिए येलो में क्या लिखा हुआ है. वी शुड बी थैंकफुल टू दीज हेल्पर्स टू. हमें इन सारे हेल्पर्स का, या मेड हो, कुक हो, स्वीपर हो, गार्डनर हो, ड्राइवर हो, गार्ड हो, या वॉचमैन, उसको भी बोला जाता है वॉचमैन, निगरानी करने वाला, या गार्ड भी बोला जाता है. तो इन सारे का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि ये हमारे काम को आसान बनाते हैं. हमारे घर में रह के, हमारे घर के आसपास रह के ये हमारे काम को आसान करते हैं.
लेट अस टेक अ लुक एट दीज हेल्पर्स हु आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बोला है लेट अस टेक अ लुक एट दीज हेल्पर्स, कुछ ऐसे हेल्पर्स के बारे में चलिए हम जान लेते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं, अति आवश्यक बनाते हैं। ओके, वो क्या हमारे जीवन के भाग को, यानी कि हमारे जीवन को बहुत ही है ना महत्वपूर्ण कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, टीचर। टीचर में शिक्षक, ये भी हेल्पर है। आपने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे हेल्पर्स नेम के बारे में पढ़ा होगा, अब यहाँ पे हमें अलग अलग हेल्पर्स के बारे में जानना है। सबसे पहले टीचर, उसके बारे में जान लेते हैं। एवरी चाइल्ड नीड्स एजुकेशन इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड सिटीजन। हर बच्चे को है ना एजुकेशन की, शिक्षा की ज़रूरत होती है ताकि उनका जीवन यापन या वो एक अच्छे गुड सिटीज़न यानी कि एक अच्छे नागरिक बनने के लिए उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए, इस गुण के लिए उनके को शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, होती है। वी लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम आवर टीचर्स। हम अपने शिक्षकों से रीड एंड राइट करना सीखते हैं, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। टीचर्स टीच अस मोरल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस टू द वीक, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड सिंपैथी फॉर द पीपुल। हम अपने टीचर से मोरल वैल्यूज यानी कि नैतिक है ना नैतिक वैल्यूज़ को, यानी कि नैतिक के जो क्या कहते हैं वैल्यूज़ है, महत्व है, उसको सीखते हैं। नैतिकता के है ना सदाचार के नियम को सीखते हैं, उसके महत्व को सीखते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, मतलब हम किसी के प्रति कैसे ईमानदार रहे, किसी इंसान के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, वो भी हम सीखते हैं। काइंडनेस टू द वीक है ना, किसी कमज़ोर के लिए दयालुता, यानी कि कोई इंसान कमज़ोर है, वीक है, मतलब किसी चीज़ से कमज़ोर है, किसी पैसे से कमज़ोर है, तो उसके प्रति हमारा दयालु व्यवहार कैसा होना चाहिए वो सीखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करना सीखते हैं, आदर करना सीखते हैं। एंड सिंपैथी फॉर द पुअर, और सिंपैथी करना, सहानुभूति करना, सदाचार करना, हमदर्दी करना, और है ना जैसे कि हमदर्दी करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं पुअर गरीब लोगों के प्रति, ये सीखते हैं। मतलब कि आपको हर टीचर या टीचर आपको गुड हैबिट टिप दिया जाता है ना, गुड हैबिट और बैड हैबिट, गुड मैनर या गुड हैबिट सिखाते हैं ना, मतलब अच्छी आदतें, अच्छी शिष्टाचार सिखाया जाता है। किस लिए? यही सारी चीज़ के लिए कि हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करें। हमें ईमानदार होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए लड़ाई। तो ये सारा गुड हैबिट और हमें गुड मैनर यही सारी चीज़ों को सिखाता है। तो कौन सिखाता है? टीचर सिखाता है। टीच अस टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर इन होमवर्क। टीचर्स हमें ये भी सिखाते हैं कि हम अपने होमवर्क गृह कार्य के लिए पंक्चुअल रहें, पाबंदी से गृह कार्य को है ना समय अनुसार उसे पूरा करें, और रेगुलर हमेशा उसे क्या करें, पूरा करें। मतलब जो होमवर्क हमें मिलता है उसे हमें करना चाहिए, चाहे वो याद करने का हो, लिखने का हो या पढ़ने का हो। ओके, उसके बाद क्या है, दे इनकरेज अस टू टेक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक क्या कहते हैं पोएट्री, रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग, म्यूजिक एंड ड्रामा। और टीचर्स क्या करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग क्रियाकलाप में। जैसे पोइट्री में कविता, अगर कोई बच्चे कविता गाते हैं तो उनको इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, नहीं तुम अच्छा गा रहे हो, तुम गा सकते हो, तुम गाओ। राइटिंग में, लिखने में, कोई अच्छा लिखता है तो उसको लिखने में, कोई पेंटिंग अच्छा करता है तो पेंटिंग करने में, कोई स्पोर्ट्स, कोई खेलने में अच्छा खेलने में, कोई डांस करने में अच्छा उसमें, कोई म्यूज़िक गाना गाने में, कोई ड्रामा करने में। तो जिस भी एक्टिविटीज़ में जो बच्चा करना चाहता है करता है, तो उसे प्रोत्साहित करते कि नहीं आप अच्छा कर सकते हो, आप करो, आप कोशिश करो, मेहनत करो, आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। इस तरीके से टीचर आपको बोलते हैं ना, तो टीचर हमें इंकरेज भी करते हैं। थस टीचर हेल्प अस टू डेवलप एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी। थस मतलब कहा गया है कि कुल मिलाकर टीचर हमें क्या करते हैं, हमें हमारी पर्सनालिटी को, हमारी व्यक्तित्व को, हमारी शख्सियत को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर हमारे शख्सियत को बढ़ावा देते हैं कि हम पढ़ने, हम थोड़ा डरे डरे रहते हैं शिक्षकों के पास, शिक्षक बोलते नहीं तुम कर सकते हो, तुम करो, आपको बार बार अगर आप कर सकते हैं आप कीजिए, इसी बात होते आप है ना ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिए क्योंकि आप रह सकते हैं, इसीलिए तो आपको बोला जा रहा है, तो आप कीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी। तो कुल मिलाकर हमारे व्यक्तित्व को, हमारी शख्सियत को क्या करते हैं, विकास करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं है ना, प्रोत्साहन करते हैं टीचर। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। और हम सभी को अपने शिक्षकों की
इज्जत करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। तो सभी बच्चे है ना हमेशा याद रखेंगे आपका बुक क्या रहा है, आपको जरूर करना है। जैसे अपने माता पिता की इज्जत करते हैं उसी तरीके से अपने शिक्षकों की, अपने बड़ों की, अपने आसपास के लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए, है ना। बार बार बोला जाता है दूसरों के प्रति भी, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, एल्डर हो, ब्रदर सिस्टर हो, कजन्स हो, या कोई भी जैसे गरीब लोग हैं, कोई भी वीक लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उन्हें हमें है ना सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आपका होमवर्क हो जाएगा सभी बच्चे का, रीड चैप्टर 13। चैप्टर 13 को आप सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर का कुछ है ना बातें बच गई है, हु आर हेल्पर्स तो हो गया, डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। कुछ लोग है ना कुछ खास परफॉर्म करते हैं, जैसे टीचर हैं, कुछ लोग टीचर होते हैं तो टीचर बनते हैं। इसमें कुछ और एक्टिविटीज़ है जो बच गया इस पॉइंट का, मैं बता दूँगी। ओके, सभी बच्चे का होमवर्क है रीड चैप्टर 13। आप सभी बच्चे चैप्टर 13 को पढ़ लीजिएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास स्टॉप होता है उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए है, वो क्या है, प्ले आउटडोर्स। क्या बोला जा रहा है, प्ले आउटडोर्स, यानी कि आपको घर के बाहर वाला खेल खेलना है। कल ही मैंने बताया था एक्सरसाइज रेगुलर एवरीडे, तो एक्सरसाइज में बताया था ना आप छोटे बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आउटडोर गेम्स खेलिए। हाँ, आउटडोर गेम्स आपके लिए एक्सरसाइज है, क्योंकि जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं दौड़ते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं उछलते हैं कूदते हैं, तो ये जस्ट लाइक एक एक्सरसाइज है जिससे हम खेलें भी तो मज़ा आ जाएगा और ये हमारे लिए वर्कआउट हो जाएगा जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। ओके, तो आप आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा खेलिए, दैट मीन्स कि खेलिए ज़्यादा नहीं, सब काम समय पे के लिए कीजिए, लेकिन जब आप गेम खेल रहे हैं, खेलने का मन है, तो इंडोर गेम्स ना खेल के आप आउटडोर गेम्स खेलिए। शाम के समय खेलना है, दोपहर में नहीं निकल जाना, सुबह सुबह नहीं निकल जाना। खेलने का समय होता है, सोने का समय होता है, खाने का समय होता है, पढ़ने का समय होता है, हर काम हमें समय पर करना चाहिए। तो हमें आउटडोर गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए इंडोर गेम्स के बनिस्बत। इंडोर गेम्स कम खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए। ओके, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये जस्ट लाइक एक्सरसाइज है। ओके, तो हमेशा क्या याद रखेंगे, स्टेइंग हेल्दी के लिए प्ले आउटडोर गेम्स। ओके, और आपका होमवर्क क्या है, रीड चैप्टर 13। सभी बच्चे चैप्टर 13 को पढ़ लीजिएगा और इसे अच्छे से रीड कीजिएगा, और जिनके पास बुक नहीं है वो ध्यान देंगे बुक पे कि बुक परचेस करवा लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।